हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2024 नया विज्ञापन जारी हुआ है, नई एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है 9 सितंबर 2024। 9 सितंबर को बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन, एक और विज्ञापन जारी हुआ है। ग्रेजुएट हैं अगर आप, स्नातक हैं किसी भी विषय से, एनी सब्जेक्ट एनी स्पेशलाइजेशन, ग्रेजुएट स्नातक अगर हैं तो बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमानेंट जॉब है, भारत सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्थायी नौकरी है। फ्रेशर भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस एडवर्टीजमेंट के हिसाब से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा। हालांकि सैलरी अच्छी दे रहे हैं, 16 लाख पर एनम, 1 ईयर का 16 लाख का पैकेज है। तो इस हिसाब से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा, गोल्डन चांस है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई भी स्नातक, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स आगे, अभी फिलहाल एक शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, बट काफी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन में भी दी हुई है, तो पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना डिटेल एडवर्टीजमेंट कब जारी होंगे और ये सारी चीजें आगे इन्फॉर्मेशन आपको और प्रोवाइड की जाएंगी जब विस्तृत विज्ञापन आएगा। शॉर्ट नोटिस में जो जो चीजें हैं वो चेक कर लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में लिख दिया है डिग्री, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, तो किसी भी विषय से ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री फेक नहीं होनी चाहिए, मतलब वैलिड डिग्री होनी चाहिए ऑफकोर्स। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 40 हैं, तो 40 वैकेंसीज है। अगर पैकेज अच्छी है तो 40 वैकेंसीज के लिए भी मेहनत किया जा सकता है। पोस्टेड इन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर प्रोविजनरी ऑफिसर, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या प्रोविजनरी ऑफिसर पोस्ट का नाम रहेगा। पोस्टेड इन मुंबई इज अप्रोक्सीमेटली ₹16 लाख पर एनम, तो पे स्केल 53,600 का ही दे रहे हैं, बट क्योंकि कुछ कंपनी या कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रहते हैं जिसमें काम बड़ा रिस्की रहता है या सेंसिटिव रहता है, इन्फॉर्मेशन ऐसी उसमें रहती है जो कि काफी सेंसिटिव होती है, तो वो प्राइवेसी मेंटेन करते हैं और इस हिसाब से कैंडिडेट को काफी जो है ना सैलरी देते हैं। तो वैकेंसीज जो रिलीज हुई है ECGC लिमिटेड से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, फिलहाल शॉर्ट नोटिफिकेशन है। शॉर्ट नोटिफिकेशन में जो भी चीजें लिखी हैं वो देख लेते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, फिलहाल शॉर्ट नोटिस किसी पेपर में पब्लिश हुआ है। तो ECGC लिमिटेड, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, भारत सरकार का है ये ऑर्गेनाइजेशन। प्योरली गवर्नमेंट जॉब रहेगी, अगर हो जाती है एक बार जॉब तो ये परमानेंट जॉब रहेगी भारत सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब देख लेते हैं और शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। पहले समझेंगे ECGC का फुल फॉर्म क्या है। ECGC का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो नेम ऑफ पोस्ट में बता रहे प्रोबेशनरी ऑफिसर इन कैडर ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनरलिस्ट। टोटल वैकेंसीज हैं 40, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, अनारक्षित ओपन कैटेगरी में 16 सीट्स हैं, SC कैटेगरी में 6, ST में 4 वैकेंसीज हैं, OBC में 11, WS में 3, एंड PWD में रिजर्वेशन रहेगा तो 2 वैकेंसीज हैं। चलिए और देख लेते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन। पर्टिकुलर्स ऑफ पे, पे स्केल दे रहे 53,600 की बेसिक पे रहेगी, लेकिन जैसा कंपनी आप देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट और क्रेडिट से रिलेटेड है, तो इसलिए बाकी जो इसके अलाउंसेज हैं वो ज्यादा होंगे। मेट्रो सिटी में अगर 16 लाख है तो बाकी मेट्रो सिटी मुंबई या दिल्ली वगैरह में 16 लाख है, तो मतलब बाकी जो नॉर्मल सिटीज में अगर इसके यूनिट होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी कहीं कहीं पे यूनिट्स होते हैं अलग अलग स्टेट में, तो अगर वो मेट्रो सिटी में नहीं भी होगा तो भी सैलरी जो है 14 लाख, 12 लाख, 14 लाख तो पर एनम होगा ही। अ डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्ट नोटिस में जितना लिखा है। इसके बाद मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही और शी इज ए ग्रेजुएट ऑन द डे ही और शी रजिस्टर्स एंड इंडिकेट द, तो जब आप रजिस्टर करेंगे उस डेट तक आपके पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन है, कोई तो प्रूफ होना चाहिए। मतलब अगर आप फाइनल ईयर में हैं, एग्जाम नहीं हुआ है, या एग्जाम हो गया रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अपियरिंग वाले नहीं कर सकते हैं, हो चुका होना चाहिए कंप्लीट। ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम अ
यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट, ये तो ऑफ कोर्स वैलिड डिग्री चाहिए, हो गया। एंड द फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 1 सितंबर 2024, 1 सितंबर 2024 के पहले या उस डेट तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज तो लिखा नहीं है, अभी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आएगी तो देखेंगे। सिर्फ ग्रेजुएट होना काफी है, 50%, 55%, ऐसा कुछ इसमें तो नहीं लिखा है शॉर्ट नोटिस में। एज लिमिटेड मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। ये 30 ईयर्स किसके लिए, जो जनरल कैंडिडेट है, अनारक्षित वर्ग के, ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी। 1 सितंबर 2024 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करना है, मतलब कट ऑफ डेट है 1 सितंबर 2024। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी ऑल कैंडिडेट्स, ऐसा रहता है ना, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा, यहां पर सभी ओबीसी कैंडिडेट्स को मिल रहा है 3 साल का, 3 ईयर्स का, 3 ईयर्स अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन। एक सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जनरल को 10 ईयर्स का मिनिमम, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से तो और भी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी। एप्लीकेशन जो है फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो 13 अक्टूबर तक कर सकेंगे। कब से शुरू हो रहा है ये तो अभी डिटेल एडवर्टीजमेंट में आएगा, वेबसाइट लिंक फॉर फुल डिटेल। और ये 14 सितंबर के बाद ही लग रहा है मुझे, तो अब आपको लगेगा फेक है, फेक नहीं रहता। एक्चुअली क्या होता है आजकल कहीं कहीं से जो है ना डेट इन्फॉर्मेशन पहले ही बाहर आ जाती है, तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अभी मैंने हाईलाइट कर दिया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पोस्ट, यहाँ पे कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है, पे स्केल यहाँ पे लिखा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ लिखा हुआ है। 14 सितंबर को आएगा एडवर्टीजमेंट, नोटिफिकेशन लग रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो 14 या 15 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा, एग्जैक्टली 1 मंथ मिलेगा, 13 अक्टूबर 13 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकेंगे। अब इसमें जो है ना ये सारी चीजें नहीं लिखी हुई है कि क्या फीस लेना, क्योंकि वो तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में रहेगा। एग्जामिनेशन का क्या स्कीम रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, कितने सारे स्टेजेस रहेंगे, मेन एग्जाम रहेगा, प्रीलिम्स रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी फिलहाल जो है ना प्रोवाइड नहीं की हुई है शॉर्ट नोटिफिकेशन में, तो डिटेल नोटिफिकेशन आते ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करें, चाहे आप बी बी टेक हैं, बी एस सी हैं, बी ए बी कॉम जो भी है, क्योंकि पैकेज इनकी बहुत अच्छी है, 16 लाख पर ईयर। और अगर आप सिलेबस या एग्जाम कोई भी देते हैं तो उसका सबका एक ही रहता है, जैसे रीजनिंग सब में रहेगा, लॉजिक, रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड या इंग्लिश रहता है, सब में जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर, सब में वही रहता है लगभग। क्वेश्चन थोड़ा अलग रहता है, कोई टफ, नेगेटिव मार्किंग सब में रहती है, सभी सीबीटी ही होते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप बहुत सारे ग्रेजुएट के लिए ऑफिसर्स पोस्ट आ रहे हैं, आप तैयारी कर ही रहे हैं, तो ये वाली अपॉर्चुनिटी भी मिस ना करें। जॉब लोकेशन क्या रहेगी, जॉब लोकेशन तो जहां जहां इसके यूनिट्स होंगे, ईसी जीसी लिमिटेड, जहां जहां इसके यूनिट ऑल ओवर इंडिया में होंगे, पूरे भारत देश में जहां भी ये कंपनी होगी, यूनिट होगा इसका, वहां पर पोस्टिंग हो सकता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है शायद। और एक चीज और है कि एग्जाम सेंटर, जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी जॉब आती है तो उसका एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया, आपको कम से कम हर राज्य में, हर स्टेट में 1 से 2 सेंटर जरूर मिलते हैं, तो मतलब आपको अपने स्टेट में सेंटर प्रेफरेंस वाला मिल जाएगा। इसके बाद एग्जाम के अगर आप बात करेंगे लैंग्वेज, तो लैंग्वेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो भी एग्जाम वगैरह होता है परमानेंट जॉब के लिए, उसमें बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों होता ही है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शंस रहते हैं। इफ यू आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश यू कैन राइट एंड रीड द क्वेश्चन इन इंग्लिश, हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में पढ़ें और लिखें आंसर्स। सीबीटी होता है मोस्टली आजकल जितने भी एग्जाम्स होते हैं। बाकी डिटेल एडवर्टीजमेंट का वेट करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें।